कहाँ लीड कर रहा है। उसी तरह से यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मऊगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट हो गई, तो मऊगंज में जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनका विवरण है, और जो इसमें लीड कर रहे हैं उनका विवरण है, कौन कितने मत किसको आए हैं, वो सारी चीजें। सर आप देख रहे हैं जी मीडिया, आप वॉच कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, और साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है जिसपे आधिकारिक रूप से एंट्री हो रही है उसको भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। ओके सर, और क्या इंतजाम है, क्योंकि जनता जानना चाहती है काउंटिंग को लेकर, क्या उम्मीद है कब तक ये काउंटिंग खत्म हो जाएगी समूचे मध्य प्रदेश में? नहीं, लगातार काउंटिंग चल रही है, हम लोगों ने टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई है, पोस्टल बैलेट्स की भी, और ईवीएम के टेबल्स भी बढ़ाए गए हैं। तो मेरा मानना है कि पहला परिणाम हमको 4.5 से 5 घंटे के अंदर मिलना चाहिए विधानसभा का, और अंतिम परिणाम आने में 10 घंटे के आसपास का समय लगेगा। एक राउंड खत्म होने में लगभग कितना वक्त लगता है? फर्स्ट राउंड खत्म होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद मेरा मानना है कि आधे घंटे के अंदर राउंड्स खत्म होने लगते हैं। अच्छा। हर आधे घंटे में एक राउंड क्लियर हो जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू। अनुपम राजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हम बातचीत कर रहे थे, और जी मीडिया जो तथ्यात्मक सटीक जानकारी आपको दिखाता है वो आप देखेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के चैम्बर में, आपको ये तस्वीर और जी मीडिया वॉच करता हुआ। अब देखिए हर कोई नजर आ रहा है, क्योंकि हम वो बताते हैं जो जानना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि जनता आज 5 साल की सरकार चुनने वाली है, और 9 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने जिस मध्य प्रदेश में चुनावी संक्रांत की शुरुआत की थी, आज उसका समापन डे है। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय उपाध्याय, बहुत स्वागत है विजय जी हमारे साथ। अब कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को सर, क्योंकि एक तरफ दो जगह अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए ये जो भी दिखाई विजय जी, आपने अपना फोन म्यूट किया है, एक बार उसको देखिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। कॉल करें कॉलिंग के लिए, इस पे शायद आवाज नहीं जा रही है। ठीक है ठीक है विजय जी, लौटते हैं आपके पास, चर्चा करेंगे आपसे। तो आपको बताएं कि आप धीरे धीरे आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आपको आई? जी जी बताइए, कैसे देख रहे हैं इस पूरे रुझान को अभी आप? देखिए रुझान जैसे मध्य प्रदेश में जो उम्मीद थी उससे बेहतर अभी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरू में जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो ऐसा लगा था कि बीजेपी काफी सीटों से पीछे हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और शिवराज चौहान और पूरी बीजेपी की टीम लग गई, तो ये नतीजे अपने आप में बीजेपी की मेहनत के दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में हमेशा रिवाज एक चलता रहा है कि 5 साल में सरकारें बदल जाती, वो ट्रेंड वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कांग्रेस तेलंगाना में काफी अच्छा करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी वो बीजेपी से कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस वहां बेहतर स्थिति में है। तो मोटे तौर पे ऐसा कहा जाता है कि देखिए ये दरअसल फ्री वीज और गारंटी जो पब्लिक के लिए पार्टियों ने अपनी तरफ से घोषित किए थे, ये उसका चुनाव था। और अंतिम जो परिणाम आएंगे, अभी तो रुझान है, जब परिणाम आने शुरू होंगे तब असल में पता लगेगा कि इन जो फ्री वीज है, जो जनता के लिए तमाम तरीके की घोषणाएं पार्टियों ने की है, उसको लेके पब्लिक का मूड क्या फाइनल निकल के आता है। क्योंकि इन चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मुद्दों से ज्यादा जो फ्री वीज थे उनको लेकर हुई है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव जो दक्षिण में जो परंपरा रही है फ्रीवीज की, वो उत्तर और मध्य भारत में भी उसका इम्पैक्ट काफी हुआ है इन चुनाव में। और ये इस चुनाव में जैसे जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, उन चीजों की चर्चा कम हुई, हम दे के आ रहे हैं इसकी चर्चा ज्यादा हुई। तो एक लिहाज से ये नए पैटर्न का चुनाव हुआ है इन सभी 5 राज्यों में, जो मिजोरम को छोड़ दे तो 4 राज्यों में तो बहुत ज्यादा रहा। बिल्कुल पैटर्न यहाँ पर चेंज होता नजर आ रहा है। खुद यहाँ जो विजय जी जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैटर्न इस बार चेंज है जो रुझान दिखा रहा है।
नहीं विजय जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, फ्रीबीज की आपने बात की विजय जी, और राजस्थान को लेकर के जब हम देखते हैं तो वहां पर ऐसी ऐसी घोषणाएं कांग्रेस ने की है जिसका जिसे आप देख लें तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसे एक आदमी के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। जो आयुष्मान योजना केंद्र में 5 लाख के बीमा केंद्र सरकार देती है, वहां पर 25 लाख की बीमा है ऑलरेडी, और उसे 50 लाख जिसे चिरंजीवी योजना कहा जाता है। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही गई हर साल, बेरोजगारों को रोजगार 4 लाख रोजगार देने की बात कही गई, सरकारी नौकरी देने की बात कही और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात कही। बहुत सारी ऐसी योजनाएं विजय जी जिसका जिक्र किया गया, लेकिन ये योजनाएं इस रिवाज को तोड़ने में क्यों नहीं कामयाबी? आपको क्या लगता है असल मुद्दे जनता ने उससे ज्यादा तवज्जो दी, इस वजह से ये हुआ है, होता हुआ दिखाई दे रहा, हुआ नहीं अभी? नहीं देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है, लीडर की क्रेडिबिलिटी और एंटी इनकम्बेंसी, इन दोनों चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी पार्टी और लीडर की क्रेडिबिल ज्यादा क्रेडिबल जनता समझ रही है। दूसरी बात, अगर कोई सिटिंग मुख्यमंत्री है और वो 5 साल बाद कहता है कि नहीं नहीं हम ये चीजें और करेंगे और हम करके दिखाएंगे, तो जनता पिछले 5 साल के उनके कार्यकलाप को देखती है, उन चीजों को देखती है, और खासतौर पर देखिए जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती है। जनता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप हमें फ्रीबीज दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर हैं। कोई फ्रीबीज देता है और क्रेडिबल है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, तो जनता उसे एक्सेप्ट करती है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो कतई ये नहीं चाहती कि आप हमें फ्रीबीज दें और भ्रष्टाचार वाली सरकार चलाएं, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो एक तरीके से घूस देने वाली बात हुई, हमारे भले के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी सत्ता की वापसी के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है राजस्थान में इसी का असर ज्यादा दिखाई दिया। विजय जी, लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो यही जो फ्रीबीज की आप बात कर रहे हैं, वहां का हमेशा साउथ का थोड़ा ट्रेंड ये रहा है फ्रीबीज का, क्या लगता है कि कांग्रेस को यहाँ यही फायदा हुआ है क्योंकि जो बीआरएस थी उन्हीं के जो घोषणा पत्र को इनहेंस कर दिया है कांग्रेस ने यहाँ पर? हाँ निश्चित तौर पर देखिए, ये एक केस स्टडी की तरह से है तेलंगाना, लेकिन वहां पे राजस्थान जैसा ही जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनकी टीम पे लगते रहे हैं, और एक बदलाव जनता चाहती थी, चूंकि देखिए तेलंगाना एक नया स्टेट है और वहाँ एक अलग किस्म का मिजाज है जनता का, और तेलंगाना बनने का श्रेय काफी दिन तक इनको मिला, लेकिन जनता को लगता है कि शायद बेहतर एक गवर्नेंस होनी चाहिए, एक अच्छी सरकार होनी चाहिए, और वहां पे कांग्रेस ने बहुत मेहनत की जिसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बीजेपी मुझे लगता है कि जब रिजल्ट आने शुरू होंगे और वोट परसेंटेज समझ में आएगा तो क्या बीजेपी के बढ़ते हुए वोट तेलंगाना में वो बीआरएस के लिए खतरा बने हैं, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तेलंगाना में बीआरएस के वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो निश्चित तौर पे बीआरएस को नुकसान ही होना चाहिए।